नमस्कार दोस्तों, यह बात है 1930 के दशक की, जब अमेरिका और कनाडा में धूल के बादल छा गए। चारों ओर धूल ही धूल हो गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। लगभग 5 लाख से अधिक अमेरिकी लोग बेघर हो गए। खाने के अनाज की कमी हो गई। लोग भूख से मरने की हालात पर आ गए। लाखों लोगों के घर तबाह हो गए। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस सेंसस डाटा के अनुसार उस समय यूएस की पॉपुलेशन 123 मिलियन थी, जो आज 2024 में 341 मिलियन हो गई है, और यह वृद्धि 177.9% है। इसी तरह से साल 1983 से 1985 के बीच इथियोपिया में अकाल का दौर आया। 1.2 मिलियन लोगों की मौत हो गई। लगभग 2 लाख बच्चे अनाथ हो गए। उस समय इथियोपिया के लोगों का पॉपुलेशन लगभग 38 से 40 मिलियन थी। वर्ल्डोमीटर के अनुसार आज 2024 में 129.7 मिलियन की पॉपुलेशन हो चुकी है। साल 1899 से 1900 के बीच भारत में भी खतरनाक तरीके के सूखे के कारण अकाल पड़ा। अकाल होने से फसलें सूख गई। भारत भूख और बीमारी से ग्रसित हो गया। 10 लाख से ज्यादा लोग भूख से मारे गए। हिस्टोरिकल डेमोग्राफिक डाटा के अनुसार वर्ष 1899 से 1900 के बीच भारत की पॉपुलेशन लगभग 238 मिलियन थी, जो कि आज बढ़कर 1.4 बिलियन हो चुकी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि खेती के लिए हमने जंगलों को साफ कर दिया। चारगाह भी अब खेती की जमीनों में बदलते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन को खाना जो खिलाना है। इसके साथ ही मौसम का मिजाज आजकल कुछ ज्यादा ही गर्म रह रहा है, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। गर्म मौसम के कारण और मौसम में तापमान के बढ़ने के कारण अनाजों की पैदावार बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है। पिछले वर्ष 2023 में मेरे ही खेत में चावल की फसल नहीं हुई, और उसके पिछले वर्ष 2022 में भी यही हाल रहा। यह साल भी गर्म ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। प्रश्न फिर वही है कि बदलते मौसम में साल 2050 में हम बढ़ती जनसंख्या को कैसे पोषित करेंगे। पूरी दुनिया में फसलों के हालात क्या होंगे, इसका इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। जनसंख्या अकेले अपने आप में ही एक समस्या तो है ही, लेकिन उसके साथ ही एक और समस्या लाती है, वह है गर्मी की बढ़ती समस्या। जैसा कि नेचर ने रिपोर्ट किया कि अत्यधिक गर्मी, सूखा और नमी की अधिकता एक ही बढ़ते मौसम में एक साथ हो रही हैं, जिससे वैश्विक ब्रेड बास्केट क्षेत्रों में फसल की पैदावार प्रभावित हो रही है। लगभग 2000 के बाद से गर्म सूखे से भारत, इथियोपिया, यूएसए, यूरोप और रूस जैसे क्षेत्रों में 30% तक उपज के नुकसान को दिखाया गया है। भूखे लोग और कुपोषण की समस्या। यूएन अपने एक रिपोर्ट में चिंता व्यक्त करता है कि अनुमानित 828 मिलियन लोग हर रात भूखे सोते हैं, जिनमें से अधिकांश विकासशील देशों में हैं। 3/4 से अधिक अफ्रीकी देशों में आधी आबादी के पास स्वच्छ पानी पीने को नहीं है, और कुछ विकासशील देशों में 100 लोगों में से केवल एक के पास ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है। बढ़ती जनसंख्या का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर। बढ़ती हुई जनसंख्या चूंकि विकासशील देशों में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन चाहे कहीं भी जनसंख्या बढ़े, उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पर पड़ता है। आप सोचिए और फिर एक बार सोचिए कि कैसे इतनी तेज पॉपुलेशन ग्रोथ पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। इसका सिंपल सा आंसर है, पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ अपनी जरूरतें लेकर भी बढ़ती हैं। पहले से ही अर्थव्यवस्था पर इस बढ़ी हुई जनसंख्या का लोड रहता है, उसके साथ बढ़ी हुई जनसंख्या का लोड बढ़ जाता है। प्लास्टिक कचरा, कार्बन एमिशन, पीने के पानी, हेल्थ, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, स्किल की कमी जैसे हजारों और लाखों समस्या सामने आती हैं। रहने के लिए जगह की तलाश के कारण जंगलों और खाली जगहों में मकान बनाए जाते हैं। शहरीकरण किया जाता है, जिससे गर्मी जो पहले से ही बढ़ी हुई थी और बढ़ जाती है। यह गर्मी या इनके द्वारा इमीडिएट कार्बन इनके देश में ही नहीं रह जाता है, यह ग्लोबली अपना इफेक्ट पैदा करता है। पूरा विश्व प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। रॉयल सोसाइटी ने अपने एक आर्टिकल में चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि 20वीं सदी के मध्य से मानव आबादी नाटकीय रूप से लगभग 2.6 बिलियन से बढ़कर 2021 में 7.8 बिलियन तक पहुंच गई है। इतने सारे लोगों को आवास और भोजन उपलब्ध कराने से प्राकृतिक आवासों का विनाश तेज हो गया है। हायर रेट ऑफ कंजप्शन से नेचुरल रिसोर्सेज के दोहन को भी बढ़ा दिया है। इसके साथ ही साथ पॉल्यूशन रेट भी बढ़ गया है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हायर पॉपुलेशन रेट ने कंजप्शन ऑफ मीट के कारण जानवरों को पालने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता पैदा की है। इसी तरह से बढ़ते जल उपयोग ने कुछ क्षेत्रों में सूखे का जोखिम बढ़ा दिया है। इसी तरह के पैटर्न दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज में भी देखे जा सकते हैं। इसी रिपोर्ट में एज्यूम किया गया है कि 1962 से 2017 के बीच दुनिया भर में 340 मिलियन हेक्टेयर नई कृषि भूमि बनाई गई और 470 मिलियन हेक्टेयर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को चारगाह में बदल दिया गया। और आप हैरान होंगे कि यह 470 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड चीन के लगभग आधे क्षेत्र के बराबर है। भोजन और उनकी आसमान छूती कीमतें। आज तारीख है 30 जून 2024। घर में टमाटर नहीं था। टमाटर खरीदने में सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने बताया 1 किलो टमाटर का मूल्य 100 रुपए हो चुका है। इसी तरह से आप हर एक चीज जो कि रोजाना आप खाने पीने में यूज करते हैं, उनकी कीमतें पिछले 50 साल में बेतहाशा रूप से बढ़ गई हैं। देखिए वीडियो में दिखाए गए टेबल में कैसे खाने पीने की चीजें 20% से लेकर 1900% तक बढ़ गई हैं। इसका मेन रीजन है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या
और डिमांड की असमानता। फेडरल रिजर्व बैंक सैन फ्रांसिस्को के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण चीजों की डिमांड बढ़ती है। जब किसी विशेष चीजों की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई पहले जैसे हो रही थी उसी स्पीड में हो रही होती है या बहुत ही धीमी गति से हो रही होती है, जिससे सप्लायर्स के ऊपर ज्यादा सप्लाई के लिए एक प्रेशर बनता है और वह मूल्य को बढ़ा देते हैं। इसी तरह से डिमांड बढ़ने के कारण प्रोडक्शन में यूज हो रहे रिसोर्सेज को हाई क्वांटिटी पर यूज होने लगता है। हाई क्वांटिटी पर उनके यूज होने के कारण उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे चीजों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। मछली, जो कि नदी और समुद्र के किनारे रहने वाली जनसंख्या का मेन सोर्स ऑफ फूड है, जनसंख्या बढ़ने से मछली और समुद्री भोजन की मांग बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक मछली पकड़ना और समुद्री संसाधनों का ह्रास होता है। यह एक एग्जाम्पल, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स आप खुद अपने आसपास खोज सकते हैं। हाई डिमांड के होने से कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन के बढ़ने पर सप्लायर्स तुरंत सप्लाई नहीं कर पाते, बल्कि उसमें कुछ समय लगता है और वह कुछ समय कुछ भी हो सकता है। यह पूरी तरह से उस चीज के प्रोडक्शन पर डिपेंड होता है और उस कुछ समय के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं जब तक कि डिमांड के हिसाब से सप्लाई न हो जाए। और कृषि संगठन के अनुसार पिछले दशकों में वैश्विक गेहूं की मांग लगातार बढ़ी है। उदाहरण के लिए 1994 से 2022 तक ग्लोबली गेहूं का प्रोडक्शन लगभग 532 मिलियन टन से बढ़कर 808 मिलियन टन हो गया। इसी तरह से चावल भी 1994 में 539 मिलियन टन से बढ़कर 2022 में 776 मिलियन टन हो गया। मकई की मांग में भी वृद्धि हुई, 1994 में 568 मिलियन टन से बढ़कर 2022 में 1.2 मिलियन टन हो गया। FAO की रिपोर्ट है कि खाद्य मूल्य सूचकांक में 1990 से 2024 तक 44% से अधिक की वृद्धि हुई, जो बढ़ती वैश्विक मांग के कारण खाद्य वस्तुओं की बढ़ती लागत को दर्शाता है। इन आंकड़ों से हम समझ सकते हैं कि कंज्यूमर्स यदि किसी खास चीज के लिए हाई डिमांड करते हैं तो यह एक संकेत होता है कि कीमतें बढ़ने वाली हैं, और बढ़ी हुई कीमतों पर भी उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते हैं क्योंकि उनको खाना है और अपने जीवन को बचाए रखने की दौड़ में वे शामिल हैं। ऊपर की रिपोर्ट्स इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कैसे जनसंख्या वृद्धि कीमतों को बढ़ाने में सहायता करती है। आज 2024 में जब चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो क्या 2050 तक कीमतें सातवें आसमान तक नहीं पहुंच जाएंगी? यह एक प्रश्न का विषय है। डिफोरेस्टेशन केवल जलवायु ही नहीं बल्कि खाने को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या ने अपने रहने के लिए डिफोरेस्टेशन का काम लंबे समय से किया है। जमीन हमारे पास उतनी ही है जितनी आज से 100 साल या उससे भी कहीं ज्यादा समय पहले थी, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए जमीन कम पड़ती ही जा रही है। विडंबना यह है कि खेती की जमीन में रहने के लिए जनसंख्या ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया है। वनों को काटकर शहरीकरण शुरू हो गया है। सोचिए कि कैसे। जर्नल लैंड यूज पॉलिसी में प्रकाशित एक अध्ययन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1990 और 2010 के बीच चीन ने शहरीकरण के कारण लगभग 8.2 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि खो दी, जिससे खाद्य सुरक्षा और बढ़ती खाद्य कीमतों के बारे में चिंताएं पैदा हो गई। यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि कार्यों और पाम ऑयल के लिए सबसे ज्यादा क्षेत्रों में वनों की कटाई की गई। यह रिकॉर्डेड डाटा का अनुमान है जो कि गूगल मैप और नासा द्वारा सैटेलाइट सर्वेक्षण पर आधारित है, लेकिन उन वनों का क्या जो कि डेटा में और सर्वेक्षण से बाहर है? यह मात्रा और अधिक हो सकती है। इसका एक ही कारण है, वह है तेजी से बढ़ रही जनसंख्या। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार डिफोरेस्टेशन के कारण जिन जड़ों के द्वारा वनों ने मिट्टी को पकड़ रखा था वह सिस्टम समाप्त हो जाता है, पोषण का चक्र टूट जाता है और सोयल इनफर्टाइल हो जाती है। अनाज की प्रोडक्टिविटी के कम हो जाने के कारण उनकी सप्लाई कम हो जाती है और कीमतें बढ़ती हैं। इसी तरह से परागण और विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में शामिल होने वाला जीवन वनों में ही रहता है। वनों के नष्ट होने के कारण उनका जीवन का चक्र समाप्त हो जाता है और फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फसलों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, सप्लाई कम होती है, कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी तरह से ऐसी विषम परिस्थितियां भी आ सकती हैं जिससे कि ऐसे जीव उत्पन्न हो जाएं जिनके द्वारा फसलें ही नुकसान कर दी जाए। जैसे कि सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोसाइंस इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया, फॉल आर्मी वर्म नामक एक कीड़े ने अफ्रीका में सालाना 17.7 मिलियन टन तक मक्का की उपज का नुकसान कर सकता है, जिससे काफी आर्थिक नुकसान होगा और मक्के की कीमतें बढ़ेंगी। FAO ने चेतावनी दी कि फ्यूजेरियम वीट एक प्रकार का कवक रोग के फैलने से केले की आपूर्ति में भारी कमी आ सकती है और केले की कीमतें बढ़ सकती हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां केले मुख्य भोजन है, क्योंकि इसके द्वारा केले की फसल को तबाह कर दिया जाता है। वनों की कटाई सिर्फ फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में जिस कार्बन डाइऑक्साइड को समाप्त हो जाना था या उसके चक्र में गतिशीलता को आ जाना था, वह टूट जाता है। सूखा या बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और फिर से फसलों पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वाटर साइकिल एंड फूड चैलेंज। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार 2012 से 2016 के सूखे के कारण कृषि क्षेत्र को काफी आर्थिक नुकसान हुआ, जिससे फसल राजस्व में कमी आई और भूजल पंप की लागत में वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट है कि भारत की 60% कृषि भूमि सिंचाई पर निर्भर है, लेकिन बिना सोचे समझे ही जल के उपयोग के चलते भविष्य में पानी की उपलब्धता और फसल की पैदावार को खतरा है। और यहां समझने की बात यह है कि रिपोर्ट तो केवल फसल के बारे में ही है, लेकिन यह फसल के साथ ही साथ
पीने के पानी का भी खतरा है। वन मिट्टी की जड़ों को तो बांध कर रखते ही हैं, उसके साथ ही साथ पानी के चक्र को बनाते हैं, मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं। उनकी कटाई से उस क्षेत्र में नमी कम हो जाती है और पानी का चक्र गड़बड़ा जाता है और पानी के चक्र पर ही कृषि टिकी हुई होती है। सिंचाई की लागतें बढ़ जाती हैं और फिर से वही बात की फसलें या तो होती ही नहीं या बहुत ही कम मात्रा में होती है। खाद्य और कृषि संगठन FAO ने बताया कि 2011 में बाढ़ ने दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक थाईलैंड में चावल की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया, जिससे वैश्विक चावल की कीमतों में उछाल आया। इस जल चक्र के प्रभाव से केवल कृषि ही नहीं बल्कि ऊर्जा और उससे संबंधित अन्य प्रोडक्शन और उसकी सप्लाई में सहायक जैसे कि यातायात, ऊर्जा, भंडारण की लागतें बढ़ जाती हैं, जिससे कि सप्लाई की लागतें प्रभावित होती हैं और कीमतें फिर से बढ़ जाती हैं। एनर्जी रिसोर्सेज एंड फूड चैलेंजेज। साल 1960 से 1970 तक हरित क्रांति से भारत में कृषि प्रोडक्शन में विशेष रूप से वृद्धि हुई है, लेकिन इससे ऊर्जा रिसोर्सेज पर बहुत ही अधिक दबाव पड़ा। रासायनिक फर्टिलाइजर्स और मशीनीकृत सिंचाई पर भारी निर्भरता के कारण पर्याप्त ऊर्जा इनपुट की आवश्यकता थी, जिससे ऊर्जा की कमी और संसाधनों की कमी हुई। साल 1980 और 1990 के दौरान भारत को बीच बीच में ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ा, जिससे कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया बिजली कटौती के कारण सिंचाई जिस तरह से चाहिए उस तरह से नहीं हो पाई। इससे एग्री प्रोडक्ट्स और उसके सहायक कार्यों जैसे फूड प्रोसेसिंग स्टोरेज बुरी तरह से प्रभावित हुई, जिससे फूड सप्लाई की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फलों, सब्जियों और डेयरी उत्पादों और जल्दी खराब होने वाले फूड आइटम्स के रिजर्वेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस बढ़े। इससे भोजन खराब हो गया और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 1990 के दशक के बाद से भारत की तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन से एनर्जी रिसोर्सेज पे अधिक लोड बढ़ा। यह लोड वर्तमान में भी बढ़ता ही जा रहा है। इंडस्ट्रीज और सिटीज से एनर्जी की बढ़ती मांग ने कभी कभी एग्रीकल्चर एरियाज में एनर्जी के कम डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोडक्टिविटी प्रभावित हुई, जिससे उसकी सप्लाई भी प्रभावित हुई। आवर वर्ल्ड इन डाटा की एक रिसर्च के अनुसार देखा जाए तो ऊर्जा की खपत सन 1800 में 5653 ट्रिलियन वाट थी, वह बढ़कर सन 2023 में 183230 ट्रिलियन वाट हो गई है। देखिए ये चार्ट जो कि आवर वर्ल्ड इन डाटा से दिया गया है, इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे एनर्जी रिसोर्सेज पर कितना लोड बढ़ा है। ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए फसलों का उपयोग। USA में मक्के की फसल का उपयोग बायोफ्यूल बनाने अथवा एथेनॉल बनाने के लिए किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां अनाज की कमी की चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं, वहीं एथेनॉल बनाने के लिए USA में लगभग 45% मक्के का यूज किया जाता है। इसके पीछे का तर्क है कि यह ग्रीन हाउस गैसेज को कम रिलीज करता है और पर्यावरण को नुकसान होने से बचाता है, जबकि वहीं दूसरी ओर रिन्यूएबल फ्यूल्स एसोसिएशन का दावा है कि एथेनॉल प्रोडक्शन से डिमांड बढ़ने के कारण मक्के की कीमत बढ़ जाती है। इससे एथेनॉल उत्पादन करने वाले अमेरिकी किसानों को अधिक फायदा होता है, लेकिन यह एसोसिएशन अन्य आबादी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से नहीं बताता है, जहां मक्का ही मुख्य आहार का हिस्सा है। यहां और दूसरे प्रश्न भी उत्पन्न हो जाते हैं कि इससे जहां जमीन पर दूसरी फसलें उगाई जा सकती थी, वहां मक्का उगाने के कारण और खाने की थाली पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अलावा इस एथेनॉल को प्राप्त करने के लिए मक्के को मशीनों का यूज कर ही उत्पन्न किया जाता है, जिसमें ऊर्जा का ही प्रयोग कर भारी भरकम मशीनों को चलाया जाता है। तो क्या वह एथेनॉल की ऊर्जा उसको बनाने के लिए खर्च इनपुट ऊर्जा से ज्यादा बनती है, यह भी एक प्रश्न का ही विषय है। इसी तरह से गन्ना, सोयाबीन, पाम ऑयल, रेप सीड आदि विभिन्न प्रकार की फसलों से विभिन्न प्रकार के बायोफ्यूल और एथेनॉल बनाए जा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या के दबाव और उनके भोजन के दबाव के साथ साथ अब ऐसी फसलों के लिए भी दबाव बनता जा रहा है। और फूड चैलेंज। UN के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में सेरिनाइजेशन से 46 मिलियन हेक्टेयर उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। इससे लगभग प्रति वर्ष 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है और 1.5 मिलियन हेक्टेयर जमीन खेती करने लायक नहीं रह जाती है। सेरिनाइजेशन का अर्थ है मिट्टी का लवण युक्त हो जाना। सेरिनाइजेशन से मिट्टी का फर्टाइल रेट कम हो जाता है। फर्टाइल रेट में गिरावट से खाए जाने वाले विभिन्न फसलों की उपज प्रभावित होती है। FAO की रिपोर्ट के अनुसार यह विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं से होती है, लेकिन इसका मेन रीजन ऑर्गेनाइजेशन और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा रोजाना विभिन्न प्रकार के कचरे का निपटान मिट्टी, नदियों और समुद्रों में किया जाता है। यह फैलता हुआ कचरा मिट्टी आदि में मिक्स होकर उसकी सेलिनिटी को बढ़ाता ही जा रहा है। प्रश्न का विषय यह है कि यदि यह प्रक्रिया चलती ही रही, हमने समय रहते ही इस विषय पर नहीं सोचा, तो हो सकता है कि पृथ्वी का अधिकांश भाग इसका शिकार बन जाए और उगाने के लिए कोई जमीन ही शेष न बचे। और फिर से वही प्रश्न जेहन में आ जाता है कि 2050 में बढ़ती जनसंख्या के भूख का क्या। ऐसा सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि वैश्विक स्तर पर प्रमुख अनाज फसलों की उपज में वृद्धि दर लगातार घट रही है। यह 1960 में 3.2% प्रति वर्ष से घटकर 2000 में 1.5% हो गई है।
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भूख से संबंध और रुकावट यूक्रेन वार। NIH की एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन को दुनिया की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। पूरे विश्व के कुल गेहूं प्रोडक्शन का 20% गेहूं यूक्रेन से आता है। यूक्रेन युद्ध के कारण उसके द्वारा किए जाने वाले एक्सपोर्ट में विभिन्न प्रकार से रुकावटें आई, उससे विश्व बाजारों में गेहूं की कीमतें बढ़ गई। यह भूख पर एक तरह की मार है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे 180,000 टन अनाज को युद्ध के दौरान नष्ट कर दिया गया। वर्ष 2022 में यह अनुमान लगाया गया कि यूक्रेन में लोग खाद्य असुरक्षा से पीड़ित हैं। सोचिए कि एक ओर कहां पूरा विश्व 2050 में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के भोजन और पोषण विषय पर चिंता कर रहा है, जबकि एक ओर युद्ध में लाखों टन अनाज को नष्ट कर दिया जा रहा है। कितनी विषम परिस्थिति है। FAO की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2030 में लगभग 600 मिलियन लोग कुपोषण के शिकार होंगे। ऐसा कहने के पीछे रीजन है क्योंकि पहले से ही खाद्य संकट का सामना कर रहे 55 देशों में से 36 यूक्रेन और रूस के निर्यात पर निर्भर हैं। और जब युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहे ये देश उभरेंगे, तब ये पहले अपने देश की अनाज की रिक्वायरमेंट को सही करेंगे, उसके बाद ही निर्यात की स्थिति में होंगे। और जो देश पूरी तरह से इनके द्वारा निर्यात के अनाज पर निर्भर थे, वो कुपोषण और भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ एक और प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि युद्ध होने के कारण वहाँ की मिट्टी और जलवायु पर इसके इतने प्रतिकूल प्रभाव पड़े होंगे कि ऐसे वातावरण में फसलों को उगाया जाना और उनके खाने से रोग और फसलों पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ेंगे। क्या वह अनाज विषाक्तता से युक्त तो नहीं होगा? क्या जमीन उतनी ही उपजाऊ रह जाएगी जितनी युद्ध के पहले थी? एक और प्रतिकूल मुद्दा यह है कि युद्ध के दौरान किसान अपने खेती के कार्यों को छोड़ सकते हैं, जिससे खाद्य संकट में गुणात्मक रूप से वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा करना उनकी एक मजबूरी होती है। कोई भी अपने जीवन के लिए डरता है। युद्ध में प्रयोग में लाए जा रहे खतरनाक रसायन और परमाणु हथियार युद्ध समाप्त होने के बाद भी पर्यावरण के लिए खतरा बने रहते हैं और वर्षों तक विषाक्तता को दावत देते हैं, जिससे कि भविष्य में आने वाले खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। युद्ध से पहले COVID-19 जैसी महामारी के कारण प्रोडक्टिविटी प्रभावित हुई और उसके बाद जनसंख्या के अधिकतम भाग को, जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में लगे हुए थे, उनको युद्ध में लगाए जाने से और विभिन्न कारणों से भी संकट स्पष्ट दिख रहा है। और ऐसे संकट भविष्य में नहीं होंगे अथवा अन्य किसी देश में नहीं होंगे, यह भी एक प्रश्न का विषय है। जलवायु बदलाव और फूड चैलेंजेज। NIH की रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित जलवायु परिवर्तन वैश्विक खाद्य उत्पादन को प्रभावित करेगा तथा विकसित देशों में मानव स्वास्थ्य पर इसके परिणाम अनिश्चित होंगे। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें आहार सेवन की पोषण गुणवत्ता को कम कर सकती हैं, मोटापे को बढ़ा सकती हैं और स्वास्थ्य असमानताओं को भी बढ़ा सकती हैं। भोजन एक वैश्विक वस्तु है। दुनिया के एक हिस्से में खाया जाने वाला भोजन हजारों किलोमीटर दूर उत्पादित किया जा सकता है। देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी भोजन खरीदते हैं, इसलिए दुनिया के एक हिस्से में खाद्य उत्पादन में बदलाव दुनिया के दूसरे हिस्से में उत्पादित भोजन की कीमत को प्रभावित कर सकता है। एक एग्जांपल के लिए, यूनाइटेड किंगडम का अधिकांश भोजन यूरोप में उत्पादित होता है। भोजन की समस्या में एक और मुद्दा है, यदि कीमतें आसमान छूती हैं तो सामान्य लोग महंगी चीजों की जगह पर सस्ती चीजों को भोजन में यूज करने लगते हैं और सस्ती चीजों के परिणाम स्वास्थ्य पर दिखाई देते हैं। कोई चीज गुणवत्तापूर्ण होगी तो वो महंगी होती है, जैसे देसी गाय का घी, लेकिन आज हमारे सामने है कि लोग पाम ऑयल सस्ती होने के कारण यूज करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। वैज्ञानिक सलाहकार समिति 2006 में यह रिसर्च की और बताया कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खाद्य कीमतों में वृद्धि से आहार सेवन में बदलाव पोषण गुणवत्ता को कम कर सकती है। बढ़ती कीमतें विशेष रूप से बच्चों, युवा वयस्कों, धूम्रपान करने वालों, निम्न आय समूहों और कमजोर वृद्ध लोगों में मोटापे के जोखिम को बढ़ा सकती है, जिनकी पोषण स्थिति पहले से ही कम है। चैन और मैक कार्ल ने 2001 में एक रिसर्च में कहा कि कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में कीटनाशक का उपयोग बढ़ जाएगा, लेकिन उपज बढ़ने के साथ इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, यह एक प्रश्न है। जमीन पर बार बार ऐसे रसायनों के यूज करने से वह कितनी फर्टाइल रह जाएगी, यह भी एक प्रश्न है। हम आज इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स का यूज आज पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में बढ़ते तापमान और बढ़ती जनसंख्या को पोषित करने के लिए वाटर इरिगेशन पूरी दुनिया में बढ़ जाएगा। नेचर वाटर के एक रिसर्च में बताया गया कि 2000 से 2015 तक AI में 11% की वृद्धि हुई। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि 2000 में 297 मिलियन हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जा रही थी, जो बढ़कर 2015 में 330 मिलियन हेक्टेयर हो गई। सिंचाई का अधिक उपयोग फूड चेन में रसायनों को भी शामिल कर सकता है, क्योंकि ऐसा पानी कीटनाशक अवशेषों जैसे रसायनों से दूषित हो सकता है। उपाय। अब हम इस वीडियो में उनके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। किसान बनाम रोबोट। BBC की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले समय में हमको रोबोट किसान बनाने होंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग और विभिन्न डेटा का यूज करके वह फसलों पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव, मौसम की मार और विभिन्न समस्याओं की जानकारी तुरंत ही दे देंगे। इससे समय रहते ही हम फसलों को नुकसान होने और कम उपज या कीड़े की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसी तरह से हम फूड के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में भी फसलों को एनालाइज करके समय रहते ही उनकी सुरक्षा की गारंटी का वादा कर सकते हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हम छोटे और हल्के रोबोट की सहायता से ट्रैक्टर वाले और अन्य कार्य खेती में करवा सकते हैं। इससे यह फायदा होता है कि खेती में मिट्टी की
की ऊपरी सतह दबने से बच जाएगी और उसमें हवा और पानी की रुकावट से फसलों को होने वाले नुकसान से समय रहते ही बचाया जा सकता है। खाने का सदुपयोग, खाने और शरीर को पोषण देने के खाने में अंतर को बताना, जिससे कि लोग बेकार के खाने की ओर न जाएं, बल्कि जितना जरूरी हो उतना ही खाएं, जितने से उनके शरीर को पूरी तरह से पोषण मिल जाए। यूएन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 तक हम जनसंख्या को मीट और मीट से बने प्रोडक्ट से पोषण नहीं दे सकते हैं, जिसमें तर्क दिया गया है कि 1 किलो अनाज के प्रोडक्शन में 1500 लीटर पानी का यूज किया जाता है, जबकि उतने ही 1 किलो मीट के प्रोडक्शन के लिए 15,000 लीटर पानी का यूज किया जाता है। अनाज ही 2050 तक खाने के सही डिस्ट्रीब्यूशन और उनके बर्बाद होने से रोक सकता है। इस मुद्दे में मीट और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हुआ जा सकता है। साल 2021 में यूएन के पर्यावरण कार्यक्रम में यह बात सामने आई कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लगभग 121 किलोग्राम की बर्बादी की जा रही है, जो कि ग्लोबली है। यूएनईपी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय घरों में प्रतिवर्ष 68.7 मिलियन टन फूड वेस्ट हो जाता है। इसी तरह से अमेरिका में यही आंकड़ा प्रति व्यक्ति उत्पादित भोजन का 40% है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने बताया कि भारत में उत्पादित सभी तरह के फूड प्रोडक्ट्स में से 1/3 खाने के पहले ही बर्बाद हो जाता है। आप सोचिए, जहां महंगाई बढ़ती ही जा रही है, वहां यदि किसी भी तरह से भोजन का नुकसान हो जाता है, तो बेवजह ही आने वाली पीढ़ियों को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, जबकि इस बर्बाद होने वाले खाने से हम न जाने कितने ही लाखों या करोड़ों लोगों को खिला सकते थे। उम्र को कम करना, बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि यदि कोई केला हजारों किलोमीटर दूर कहीं तोड़ा गया है, तो जरूर ही उसको हरा ही तोड़ा गया होगा, और जब वह सुपरमार्केट गया होगा, तब तक वह पक कर बिल्कुल पीले रंग का हो गया होगा। लेकिन क्या हो यदि हम ऐसी किसी प्रक्रिया को अपनाएं जिससे कि केले या किसी भी फल के पकने की प्रक्रिया ही धीमी हो जाए, जिससे कि फल और सब्जियों को लंबे समय तक, जब तक कि उनका उपयोग न हो, जब तक कि उनका उपयोग न किया जाए, सुरक्षित ही रखी जा सके। पौधे की तकनीक को बेहतर समझना और उनका छोटे से छोटे लेवल पर यूज करना। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन अपने एक आर्टिकल में लिखता है कि डॉक्टर लारा बार्टर अपने शोध पत्र में लिखती हैं कि हमको पौधे की एक प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पर काम करना होगा और उसकी प्रक्रिया को तेज करना होगा। यदि हम तकनीक को बना लेते हैं, तो उतनी ही जमीन में पौधे से ज्यादा अनाज पैदा कर सकते हैं। अब तक जो प्रयोग किए गए हैं, वह सभी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाते हैं। उस बात की जानकारी को सोशल मीडिया और अन्य तरीकों से छोटे किसानों और अनडेवलप्ड देशों में भी प्रसार करना और बताना, जिससे कि उसका यूज करके उपज को बढ़ाया जा सके। कृषि में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग, ग्रामीण कृषि और छोटे से छोटे लेवल पर कृषि में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करना बहुत ही बड़ा योगदान हो सकता है, जिसका प्रयोग आज किया भी जा रहा है। दुनिया भर की सरकारों द्वारा इस पर काम भी किया जा रहा है और विभिन्न योजनाओं और सब्सिडीज के अंतर्गत सफल प्रयोग भी किए जा रहे हैं। जलवायु पर ऊर्जा के सकारात्मक परिणाम दिखने भी शुरू हो गए हैं। IEA के अनुसार दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का 2025 तक 35% हो जाएगी, जो कि 29% थी, और एनर्जी का यह प्रोडक्शन कार्बन एमिशन को बहुत ही बड़े लेवल पर कम करने का काम करेगा, जिससे कि फसलों पर वह प्रभाव जिससे कि फसलें कम हो जाती हैं न के बराबर होगा। सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप आदि से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी। नवीन तकनीकी आधारित कृषि, USDA की रिपोर्ट के अनुसार किसान मिट्टी में मॉइस्चर, उसका PH, न्यूट्रिशन फैक्टर्स को मशीनों द्वारा मापते हैं और जिस फसल के उपयुक्त होती है वैसी ही फसलों को लगाते हैं या मिट्टी को उस फसल के अनुरूप बनाते हैं जिसमें फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। कृषि को GPS आधारित बनाकर सही समय पर उसमें आ रहे बदलाव या जलवायु में आ रहे बदलाव को मापा जाता है, जिसके अनुरूप ही समय रहते एक्शन लिया जाता है, जिससे कि नुकसान कम हो सके। ऐसे ट्रैक्टर्स जो कि GPS आधारित होते हैं सटीक जगहों पर ही जुताई करते हैं और सटीक जगहों पर ही बीज बोते हैं, और ऐसे ही तमाम प्रक्रियाएं जो कि खेती संबंधित हैं उनको सही तरीके से करते हैं। इससे बीज बर्बाद नहीं होते या गलत जगह कार्य करने से समय का नुकसान नहीं होता। ड्रोन सेवाओं का यूज कर कीड़े लगने, फसलों में पानी का छिड़काव, दवाओं का छिड़काव आदि कार्य करने पर समय की बचत और सही समय पर डाटा के मिलने से समय रहते ही फसलों का बचाव किया जा सकता है। लेकिन सभी जवाब में एक सवाल भी छिपा होता है, वह है लागत की समस्या। सरकार और सरकार के अलावा भी कंपनियों को ऐसी तकनीकों को ग्रामीण और गरीब या डेवलपिंग कंट्रीज में कम लागत पर लाकर पहल करना चाहिए, जिससे यह काम जमीनी स्तर से होने लगे और ऐसे देश जो कि ज्यादातर एग्रीकल्चर पर ही आधारित हैं उनको फायदा मिले। ऐसे देश जो अनाज का निर्यात करते हैं और दूसरे देश उनके निर्यात पर निर्भर हैं, उनको समय से अनाज मिल सके। वर्टिकल फार्मिंग जैसे खेती के तरीकों को ईजाद करके, वर्टिकल फार्मिंग में फसलों को एक के ऊपर एक जैसे किसी रेक में या किसी अलमारी में किताबें रखी होती हैं, ठीक उसी तरह से उगाया जाता है, जिससे कि सिंचाई के दौरान पानी का खर्च 95% तक कम हो जाता है। फसलें
लगभग 10 गुना अधिक उपज देती है। लेकिन इस बार भी वही की जवाब के बाद फिर एक सवाल है कि ऐसी खेती घर के अंदर ही किताबें रखने वाले रेक या अलमारी में की जाती है, जिससे खेत या खेत जैसे बड़े जगह की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन वह जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर्याप्त रूप से सूर्य का प्रकाश आ पाता हो और फोटोसिंथेसिस हो सके। अगर सूर्य की रोशनी के बिना हम बिजली की रोशनी दे दें तो भी बहुत से पौधों में विकास का क्रम दिखाई देता है, लेकिन क्या जो बिजली हम यूज करेंगे प्रकाश के लिए वह ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं पैदा कर रही होगी? ऐसे अनेकों प्रश्न अभी बाकी हैं जिन पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। फसलों के बीजों के डीएनए में बदलाव करके उनको जलवायु के अनुरूप बनाकर अनुवांशिक रूप से फसलों के बीजों के डीएनए में बदलाव करके हम उनको बढ़ती गर्मी के अनुरूप उगने में सहायक बना सकते हैं। जैसे कि मक्के की एक प्रजाति डेवलप की गई है जिसका नाम है मोनेसेंटो, जो कि अफ्रीका के कठोर और बहुत ही गर्म वातावरण में उगने में और फसल देने में समर्थ है। ऐसा केवल हम फसलों के साथ ही नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी कर सकते हैं, जो ज्यादा ऊन दे सकते हैं, ज्यादा दूध दे सकते हैं। लेकिन फिर से जवाब के बाद वही सवाल कि क्या जीन में परिवर्तित करने पर उनके जीवन से कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा भी जीन बदल जाए? यह एक प्रश्न है। ऐसे मीट और मीट उत्पाद जो कि लैब में बनाए गए हैं, वर्ष 2013 में पहली बार किसी प्रयोगशाला में मीट बनाया गया था। उसको बनाने में 2 साल का समय लगा। उसको पकाया भी गया और खाने से वह एकदम मीट के स्वाद जैसा ही लगा, जिसका प्रसारण लाइव लंदन में किया गया। ऐसे मीट को बनाने के लिए केवल स्टीम सेल की जरूरत होती है, जिसके बाद कुछ प्रक्रियाओं से गुजार कर बायोप्सी द्वारा मीट में बदल दिया जाता है। हालांकि बहुत सी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, लेकिन प्रश्न वही है कि इससे कोई खतरा है कि नहीं? इससे क्या भविष्य सुरक्षित होगा? खाने को फेंकने की बजाय किसी तरह से यूज करके पहले ही हमने बताया कि कैसे मिलियन टन भोजन रोजाना नुकसान हो रहा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। उसके लिए हमको ऐसे तरीके सोचने चाहिए कि बचे हुए भोजन का सही इस्तेमाल हो सके। और यह प्रश्न आपसे भी है कि आप अपने लेवल से भोजन को नुकसान होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? कमेंट करें। और दूसरे लोगों को ही जागरूक बनाने के लिए आप क्या करते हैं? भविष्य के सवाल अभी बाकी हैं जिनका उत्तर हमको ढूंढना है। देखना यही है कि 2050 में हम कैसे बढ़ती जा रही जनसंख्या को खाना खिला सकते हैं। कमेंट में आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि 2050 तक इतना भोजन हमारे पास होगा कि नहीं, और कौन सी समस्या या तरीका आपको अच्छा लगा यह भी बताएं। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके जागरूक भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।